जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तनदीभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम छत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुंपट् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। जो भी मनुष्य पूजा करते समय इन 36 नाम को लेता है सुबह शाम, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है, क्योंकि ये किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम है, नाम लेने के लिए शास्त्र में कोई भी प्रतिबंध नहीं किया गया है। हाँ, कोई मंत्र है उसके लिए जरूर गुरु गम्य होना चाहिए, परंतु तो ईश्वर का नाम लेने के लिए तो कोई भी आपत्ति नहीं होती है। तो ये 36 नाम जो हमने आपके सामने रखे हैं, इनको आप पाठ करें जब भी करते हैं, ताकि स्थान के देवता, स्थापित देवता, कुल देवता, आसपास रहने वाले देवता, सभी का आपके ऊपर कृपा बनी रहे। आप उनको याद करेंगे, निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो पूजा के वक्त में इनको अवश्य बोलें। शास्त्र के अनुसार मनुष्य जब पूजा करता है तो बहुत सारी गलतियां करता है। वो गलती ना हो और आपकी पूजा स्वीकार हो, इसके लिए कुछ चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप उन गलतियों को न दोहराएं। ब्राह्मण को हमेशा आसन पर बिठाना चाहिए, क्योंकि उसके पास में ब्राह्मण वाला तत्व है। वो गुरु का रोल अदा करता है जब आपके यहां पूजा करने के लिए आता है। तो गुरु महाराज को कभी भी जमीन पर नहीं बिठाया जाता है। इसी प्रकार जब दीपक लगाते हैं तो दीपक भी लगा करके सीधे जमीन पे नहीं रखा जाता है। दीपक के नीचे चावल या प्लेट, कोई भी धान्य, ये अवश्य रखना चाहिए। दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। और पूजा करने के बाद में जितनी भी स्त्रियां होती है, किसी भी उम्र की हो, चाहे कन्या ही क्यों ना हो, उसे दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत से तीर्थ स्थानों पर जाता हूं, मंदिरों में देखते हैं कि स्त्रियां दंडवत प्रणाम करती हैं। तो स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने का शास्त्र वर्जित करता है, क्योंकि स्त्री के पास में एक मातृत्व शक्ति होती है जिससे वह सृजन करने का काम करती है।
इसलिए स्त्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए और बिना दक्षिणा दिए ज्योतिषी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए या फिर पंडित जी से भी कोई मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण आपके ऊपर चढ़ता है, गुरु दोष लगता है और फिर उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी से भी कोई भी चीज पूछें, कोई प्रश्न करें, कोई आपको जवाब मिलता है विशेष तौर से आध्यात्मिक, तो आपको बिना दक्षिणा दिए वो प्रश्न नहीं पूछना है। और गुरु के जब भी चरण स्पर्श करे तो बिना दक्षिणा दिए चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि गुरु के चरण स्पर्श करने पर आपको गुरु से आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जी है जो अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश करती है। परंतु आजकल हम देखते हैं कोई भी बहुत कम व्यक्ति ऐसे जो गुरु जी के अंगूठे को टच करता है, वो घुटनों को टच कर लेता है, तो कृपा नहीं मिलती है। तो जब भी गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए जाएं तो पूरा झुक करके उनके घुटनों को, वो उनके अंगूठों को टच करना चाहिए। घर में पूजा करते हैं तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में, शिवलिंग अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर के अंदर। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग यदि आप पूजन करना चाहते हो तो घर के बाहर अलग से मंदिर बना करके उसमें पूजन करना चाहिए, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन कर लें, या किसी शिवालय में जाकर के पूजन कर लें। घर के अंदर अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तुलसी के पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि तुलसी माता जी का जो पौधा होता है उसके नीचे शिवलिंग रख देते हैं लोग बाग, तो वो दोष लगता है क्योंकि तुलसी जी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती, और जब तुलसी जी खिलती है गिरती है तो वो शिवलिंग के ऊपर गिरती है तो दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, भगवान हमें सजा क्यों दे रहा है, किसी ने कोई तंत्र विद्या तो नहीं कर दी, मुझे इसके ऊपर शंका होती है, तो उल्टे सीधे विचार मन में उत्पन्न हो जाते हैं। और गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है ये। गर्भवती महिला को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए क्योंकि शिवलिंग में कहा गया है कि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, अणु परमाणु से भी ज्यादा ऊर्जा उसमें होती है, इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की धार चलाई जाती है, इसीलिए उनका दूध से दही से शहद से शक्कर से घी से अभिषेक करके उनको शांत करने का प्रयास किया जाता है। तो यदि कोई स्त्री गर्भवती महिला शिवलिंग के स्पर्श करती है, पूजा अर्चन करती है, तो उसका गर्भ गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए बोला गया है कि गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों के द्वारा किसी भी मंदिर में कहीं पर भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। हम बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं तो वहां की कमेटी वाले भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि स्त्रियां नारियल फोड़ती हैं। आप किस किस को मना करोगे, ये कलयुग है और कानून बन गया कि तो अब स्त्री को पूजा के लिए रोक दिया। अब वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई महिलाएं, एक तो उनने बाल काट लिए, अब शादीशुदा है कि विवाहित महिलाएं पता ही नहीं चलती ना, तो क्योंकि ना तो मांग भर रही है, ना बिछिया पहन रही है, ना गले में मंगलसूत्र पहन रही है, ना हाथ में चूड़ियां पहन रही है। कैसे पहचानोगे कि यह विवाहित है कि अविवाहित है, और बोलो तो कहेगी कानून अंदर करवा दूंगी।
तो मना करना भी आजकल जो है व्यक्ति के लिए खतरे की घंटी हो गया और वो शास्त्र पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, इंग्लिश मैम बन गई है। और पूजा जब करते हैं, भगवान जी देवी देवता की पूजा की जाती है, तो पूजा में नियमानुसार स्त्रियों को विशेष तौर से सिर ढक करके पूजा करना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं दुपट्टा तो गायब ही हो गया, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हैं। तो ऐसे अर्ध नग्न कपड़े पहन करके भी भगवान की पूजा नहीं होती है, यह भी दोष लगता है। तो स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि नारियल बलि का प्रतीक होता है और स्त्रियों को बलि देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसमें पुरुषत्व शक्ति की आवश्यकता होती है। तो कृपया स्त्रियां इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मंदिर में पूजा करते समय, घर में पूजा करते समय और भी आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो के समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। परंतु जो बताया है उसको जिंदगी भर याद रखें या फिर इन नियमों को कहीं नोट करके मंदिर में बोर्ड बनवा करके लगवा देना चाहिए। इससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा क्योंकि मनुष्य मंदिर में भी गलती करता है और वो गलती क्षमा योग्य नहीं होती है। यदि आप पुण्य कमाना चाहते हो तो ये जो नियम है कि मंदिर में किस देवता को क्या नहीं चढ़ाना है, किस देवता को क्या नियम होता है, कौन सी चीज ज्यादा पसंद होती है, वही चीज बोर्ड पे बनवा करके यदि आप मंदिर में लगा देंगे तो इससे जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा और सीख लेगा आपका भी पुण्य बढ़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।